नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद कन्नौज में आज राजनीतिक पार्टी आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश AIMIM यूपी जिलाध्यक्ष इशरत खान के नेतृत्व में कन्नौज कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन व जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को बाबत ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि त्रिपुरा राज्य में भगवावादी संगठनों द्वारा मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार किए जाने के संबंध में राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश AIMIM यूपी जिलाध्यक्ष इशरत खान के नेतृत्व में कन्नौज कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन व जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को बाबत ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को अवगत कराया है कि वर्तमान समय में त्रिपुरा राज्य में गुंडाराज कायम है और वह सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा है, जिसमें विभिन्न भगवावादी संगठनों जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद VHP द्वारा जानबूझकर सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों के घरों एवं उनकी मस्जिदों को लगातार आग के हवाले किया जा रहा एवं मुस्लिम समुदाय के लोगों पर निरंतर अत्याचार जारी है। त्रिपुरा की वर्तमान भाजपा सरकार एवं वहां की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा भी त्रिपुरा के मुस्लिम समुदाय के लोगों की निरपेक्ष देश की छवि विश्व भर में धूमिल हो रही है एवं त्रिपुरा के मुस्लिम समुदाय में अपने जान माल की असुरक्षा की भावना व्याप्त है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला कन्नौज ने त्रिपुरा में जो नरसंहार मुसलमानों के साथ मस्जिदों को लेकर और कातिलों के कत्ल को लेकर जो अत्याचार हो रहा उसको उसके खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन है जो DM साहब को अभी हमने प्रेषित किया है। लेकिन वहाँ के प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ पर जो है अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानिए, आप लगातार देख रहे होंगे, एक सोशल मीडिया नहीं, मैंने खुद देखा, सब लोगों ने देखा, एक नहीं हजारों वीडियो ऐसे आए हैं जिसमें एक जिसके पास कोई हथियार नहीं है वो उस मुसलमान को पहले गोलियां मारते हैं, उसके बाद एक इतना प्रचलित हुआ था वो पोस्ट, फोटो भी प्रचलित हुआ था, वीडियो भी प्रचलित हुआ था जिसमें एक पत्रकार उसे मरने के बाद उसके ऊपर कूद रहा था, उसके बाद मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके न जाने कितने वीडियो मौजूद है। कौन कह रहा है? ये त्रिपुरा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है प्रदेश में और यहाँ पे केंद्र में, मैं केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री से और राष्ट्रपति महोदय से कहता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि गृह मंत्री जी से इस्तीफा लिया जाए। दिए गए ज्ञापन में मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये है कि दंगाइयों को बंद किया जाए, त्रिपुरा सरकार को बर्खास्त किया जाए, माननीय गृह मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए, उनको इस्तीफा देना चाहिए और जो मजलूम है उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, मस्जिदों को सिक्योरिटी देनी चाहिए और जो पूरे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक परेशान हाल हैं, जहाँ पे मुश्किलें आ रही हैं, उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज़।